हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर अपिन सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल पितामा द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में। इंजीनियर्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हाउ टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ चेयर बार पार्ट टू। पार्ट वन में हमने बताया था चेयर बार का पर्पज क्या होता है, हम चेयर बार क्यों यूज करते हैं और उसका पार्ट क्या होता है चेयर बार का, उसमें हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने हमारा पार्ट वन नहीं देखा है तो अभी आप जाए और पार्ट वन वीडियो देखें। इंजीनियर्स, ये पार्ट टू शुरू करने से पहले मेरे माइंड में एक थॉट आया जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूं। यू हैव टू इंक्रीज योर लर्निंग टू इंक्रीज योर अर्निंग। अगर आपको अर्निंग अपनी बढ़ानी है तो यू हैव टू इंक्रीज योर लर्निंग, और लर्निंग स्किल बढ़ाने के लिए अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। चलिए इंजीनियर्स, बिना देर किए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए इंजीनियर्स, बताएंगे हम सबसे पहले, हमने एक फुटिंग कंसिडर किया हुआ है, उस फुटिंग में हमने चेयर बार प्रोवाइड किया हुआ है, उसकी डिटेलिंग आप देखिए। हाइट ऑफ फुटिंग जो है 600 mm है, हाइट ऑफ फुटिंग, इसे हम हाइट भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे हम डेप्थ भी बोलते हैं। डेप्थ ऑफ फुटिंग अगर होगी तो भी 600 mm है, हाइट ऑफ फुटिंग अगर हम बोलेंगे तो भी 600 mm है। डायमीटर ऑफ टॉप एंड बॉटम मेन बार्स 20 mm। जो टॉप पे ये देखिए, ये जो पोर्शन है हमारा रेड लाइन जिस पे आ रही है, ये टॉप मेन बार है, और ये जो है इस साइड में ये बॉटम मेन बार है। ये जो टॉप और बॉटम में हमने मेन बार यूज की है उसकी जो डाया है 20 mm है। डायमीटर ऑफ टॉप एंड बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार 60 mm, यानी कि ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर के सर्किल्स आपको दिख रहे हैं, ये रेड लाइन से इंडिकेटेड है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार है जो कि हमने 60 mm के यूज किए हैं एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर। क्लियर कवर टॉप एंड बॉटम 50 mm। फुटिंग को आप तो ऑलरेडी जानते हैं कि फुटिंग में हम जो कवर प्रोवाइड करते हैं वो 50 mm की करते हैं, तो ये देखिए ऊपर जो फुटिंग प्रोवाइड होगी वो 50 mm की होगी और जो बॉटम में प्रोवाइड होगी वो भी 50 mm की कवर प्रोवाइड होगी। अब चलिए देखते हैं कैलकुलेशन पार्ट, हाइट ऑफ चेयर। अब हम निकालेंगे हाइट ऑफ चेयर। ये ब्लू कलर का जो ये इंडिकेशन आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर की जो इमेज शो है, ये चेयर है। इसका एक बार मैं क्विक रिविजन आपको कराता हूं पार्ट्स ऑफ चेयर के। ये देखिए, ये जो वर्टिकल पोर्शन है इसे हम हाइट बोलते हैं, और ये जो हॉरिजेंटल पोर्शन है उसे हम हेड बोलते हैं, और ये जो पोर्शन बॉटम का हॉरिजेंटल पोर्शन है इसे हम लेग बोलते हैं। तो अब मैं कैलकुलेशन बताऊंगा हाइट ऑफ चेयर। देखिए, हाइट ऑफ चेयर हमें कैलकुलेट कहां से करना है, इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक ही हमें हाइट निकालनी है चेयर की। तो हाइट ऑफ चेयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ फुटिंग, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था, हाइट ऑफ फुटिंग बोल लें या डेप्थ ऑफ फुटिंग, ये जो कि 600 mm है, माइनस 2 इंटू क्लियर कवर। क्लियर कवर 50 mm की हम प्रोवाइड करते हैं। देखिए, टॉप पे भी कवर प्रोवाइड करेंगे, बॉटम पे भी कवर प्रोवाइड करेंगे, तो इसलिए हमने 2 इंटू क्लियर कवर किया हुआ है। अब बात करेंगे डाया ऑफ बॉटम मेन बार। मेन बार पे ही हमारा चेयर रेस्ट करेगा, बॉटम के मेन बार पे। जैसे ये देखिए, ये हमारा अगर जाली जो है, जैसे कि मेस है फुटिंग की बॉटम वाली, उसके मेन बार पे हमारा चेयर रेस्ट करेगा ऐसे, तो इसलिए माइनस डाया ऑफ बॉटम मेन बार। फिर हम करेंगे माइनस डाया ऑफ टॉप मेन बार प्लस डाया ऑफ टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये सर्कुलर वाली, इसके ऊपर मेन बार है, तो इसको भी हम माइनस करेंगे, तभी तो ये हमारा ये वर्टिकल पोर्शन इतना निकल के आएगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, 600 माइनस 2 इंटू 50 यानी कि क्लियर कवर माइनस 20 की डाया ऑफ बॉटम मेन बार। तो बॉटम का जो मेन बार, अब मेन बार का मैंने बताया ही था कि 20 mm का हमने यूज किया, ये मेन बार है बॉटम की, तो 20 mm माइनस 20 की हम माइनस 20 प्लस 60 यानी कि डाया ऑफ टॉप मेन बार, ये जो मेन बार टॉप की है 20 माइनस डाया ऑफ टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार ये सर्कुलर जो शो कर रहा है आपको राउंड फेज में, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार का है 60 mm। 20 प्लस 60 जब हम माइनस करेंगे, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, इस चीज को समराइज करेंगे, तो 444 mm हमारा निकल के आएगा हाइट ऑफ चेयर। अब हम सिमिलरली बात करेंगे हेड ऑफ चेयर। हेड ऑफ चेयर, लेंथ ऑफ हेड इज इक्वल टू 20 स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार प्लस 2 इंटू 50। अब ये आपके माइंड में आएगा कि ये 50 के कहां से आया, तो ये देखिए, जैसे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बार इस पे रेस्ट कर रही है चेयर पे, तो हम 50 mm इस साइड एक्स्ट्रा लेते हैं, 50 mm इस साइड एक्स्ट्रा लेते हैं, हम दोनों साइड 50 50 mm एक्स्ट्रा लेते हैं, इसलिए हम 2 इंटू 50 करते हैं। अब बात है स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन बार की स्पेसिंग 150 mm सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है, तो इसलिए 2 इंटू 150 प्लस 2 इंटू 50, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया कि 50 इधर mm एक्स्ट्रा लेंगे, 50 mm इधर एक्स्ट्रा लेंगे, तो जब हम इसे कैलकुलेट करके समराइज करते हैं तो 400 mm हमारा हेड ऑफ चेयर का
आंसर आएगा। अब हम सिमिलरली बात करेंगे लेग ऑफ चेयर, इस लेग का हम कैलकुलेशन करेंगे। लेग ऑफ चेयर इज इक्वल टू 2 इनटू स्पेसिंग ऑफ बॉटम मेन बार प्लस 2 इनटू 25। अब ये आपके माइंड में आएगा कि ये 25 कहां से है, तो सिमिलरली चेयर में भी हम क्या करते हैं कि 25 हम एक्स्ट्रा लेते हैं इस साइड से और 25 एक्स्ट्रा हम लेते हैं इस साइड से। जब दोनों साइड से हम एक्स्ट्रा लेंगे तो 2 इंटू 25 हम करते हैं। अब स्पेसिंग ऑफ बॉटम मेन बार, स्पेसिंग ऑफ बॉटम मेन बार, ये जो मेन बार है बॉटम की, इसकी भी स्पेसिंग देखिए 150 mm, सेंटर टू सेंटर ही है। तो 2 इंटू 150 प्लस 2 इंटू 25 जब हम करेंगे और इस चीज को कैलकुलेट करके जब हम समराइज वे में करते हैं तो 350 mm हमारा लेग ऑफ चेयर आएगा निकल के। अब हम बात करेंगे सिमिलरली इंजीनियर्स कटिंग लेंथ ऑफ चेयर बार, कितनी लंबाई की हमें रॉड कटवानी होगी चेयर बार बनाने के लिए। तो इसके लिए हम बात करेंगे कटिंग लेंथ ऑफ चेयर बार इज इक्वल टू हेड ऑफ चेयर। हेड ऑफ चेयर का कैलकुलेशन मैंने बताया था 444 mm निकल के आया था प्लस 2 इंटू हाइट ऑफ चेयर। हाइट ऑफ चेयर भी हमने कैलकुलेट किया बट आपके माइंड में आएगा कि 2 क्यों कर रहे हैं इसमें। देखिए एक ये वर्टिकल हाइट है चेयर की, एक ही साइड की वर्टिकल हाइट, इसलिए हम 2 इंटू हाइट ऑफ चेयर करेंगे। अब सिमिलरली बात करते हैं प्लस 2 इंटू लेग ऑफ चेयर, एक इस साइड भी लेग ऑफ चेयर है एक इस साइड भी है, तो 2 इंटू लेग ऑफ चेयर हम कर देंगे इसमें। माइनस 4 बैंड ऑफ 90 डिग्री। अब माइनस 4 बैंड ऑफ 90 डिग्री की बात आती है, इसमें 90 के चार बैंड है। चलिए आपको दिखाता हूं, देखिए एक बैंड यहां पे 1, 2, 3, 4। सिमिलरली आपको देखिए चार बैंड है 90 के, तो 90 डिग्री के लिए हम लेते हैं 2D। अगर यही 45 रहता तो हम 1D लेते हैं, 135 रहता तो हम 3D लेते हैं, तो बट यहां पे केस है 90 डिग्री का, तो चार बैंड हुए तो 4 × 2D। अब देखिए यहां पे 444 या हमने हेड ऑफ चेयर की वैल्यू पुट की 2 × 400 mm, हाइट ऑफ चेयर 2 × 350 लेग ऑफ चेयर, माइनस 4 × 2 × 12 यानी कि 2D, डी की वैल्यू हमारी है 12। मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट वन में बताया था कि चेयर बार बनाने के लिए जो हम बार यूज करेंगे, स्टील यूज करेंगे, उसका डायर 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, एनी हाउ वो 12 mm का होना ही चाहिए। जब अब इस चीज को हम कैलकुलेट करते हैं समराइज वे में करते हैं तो 1848 mm, या कि अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करें, कन्वर्जन तो आप फिर इजिली जानते होंगे, ये बच्चे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1.8 मीटर हमारा आएगा। इतनी लॉन्ग हमें स्टील कटवानी होगी एक चेयर बार बनाने के लिए। और अगर बात करें वन पर मीटर स्क्वायर पे एक चेयर बार यूज होती है। अब मैं इंजीनियर समझ सकता हूं कि चेयर बार के रिकॉर्डिंग सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे चैनल को शेयर करते हैं। आपसे मिलते हैं एक ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।